बीकानेर के खाजूवाला में इन दिनों सड़कों की हालात खस्ता होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वो कई बार संबंधित विभाग को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। एक तरफ तो राजस्थान की वसुंधरा सरकार प्रदेश भर में सड़कों के जाल को बिछाने में लगी है ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश के बीकानेर की तो यहाँ खाजूवाला में सड़कों की हालात खस्ता होने के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग पिछले काफी समय से सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क की हालात इतना खस्ता हो चुकी है कि इस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी परेशानी भरा है। ये रोड, इसके बारे में हमने जनप्रतिनिधियों को बहुत बार कह दिया, लेकिन उन्होंने आश्वस्त के सिवा कोई जवाब नहीं दिया, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया उन्होंने। काम करवा देंगे, वो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये रोड एकदम टूटी हुई है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, दोपहिया वाहन वो भी पंचर हो जाते हैं, हर रोजाना कोई ना कोई घटना होती रहती, घटनाएँ होती रहती है। वहीं संबंधित विभाग सड़क बनाना तो दूर की बात, गहरे गड्ढे भी भरना उचित नहीं समझ रहा। आपको बता दें कि लोग इस रास्ते पर अपनी जान को जोखिम में डालकर गुजरते हैं, लेकिन विभाग है कि सड़क निर्माण कराने की बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। बीकानेर से प्रेम सियाग, समाचार एक्सप्रेस।